Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल साइंसेस का आपका फैक्ट 2018 का क्वेश्चन पेपर. और आज के इस वीडियो में हम ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं जहां पर हम आपके टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और 25 और 20 क्वेश्चंस आपके बाकी के पार्ट्स में कवर हो जाएंगे, यानी कि टोटल हम 3 पार्ट्स में ये पूरे ही आपके पेपर को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है, कल इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा एंड देन उसके बाद में इसका थर्ड पार्ट आ जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पर हम सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से करने वाले हैं एंड उम्मीद करूँगी कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएंगी. बट फिर भी कोई अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा. ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए. और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कि आप लोग बहुत टाइम से फैक्ट के एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे, तो आपका फैक्ट का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड जो एग्ज़ाम की डेट है वो एज इट इज़ 20th of March ही है, तो जल्दी से जाइए आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए. एंड देन अभी तक आपने प्रिपरेशन कर रखी थी तो उसको और ज़्यादा बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर अप कर लीजिए अपना पूरा सिलेबस. एंड अभी स्टार्ट कर लेते हैं. और यहाँ पर अगर हम बात करें आपका पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है आपका जो जर्मन सिल्वर होता है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यानी कि जो जर्मन सिल्वर है वो किन चीज़ का एलॉय है या फिर किस चीज़ का मिक्सचर है. तो जो जर्मन सिल्वर होता है वो आपका कॉपर, जिंक एंड निकल, ये तीनों का ही मिक्सचर होता है. अब यहाँ पर ये जो बाकी के तीन कॉम्पोजिशन दे रखे हैं, तो इसमें से ये जो आपका जिंक और सिल्वर रहता है इसका कोई कॉम्पोजिशन नहीं बनता है. बट अगर हम बात करें कॉपर और जिंक की, तो इसका जो मिक्सचर होता है वो आपका कहलाता है ब्रास. कॉपर और सिल्वर का जो मिक्सचर कहलाता है वो होता है आपका स्टर्लिंग. और यहाँ पर आपका 92.5% सिल्वर होता है और 7.5% कॉपर होता है. ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जितने भी आपकी केमिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो यानी कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो ऑन द स्पॉट आपको पता है, तो इस वजह से हर एक चीज़ को आपको याद ही करना पड़ेगा. तो जितना भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा. अभी आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पर पूछा गया है पिच ब्लेंड इज अ सोर्स ऑफ विच मेटल. तो पिच ब्लेंड जो है वो क्या होता है, वो किस चीज़ का सोर्स है. तो पिच ब्लेंड जो है आपका यूरेनियम का सोर्स होता है. तो पिच ब्लेंड होता क्या है, ये एक तरह का ब्राउन से लेकर के ब्लैक कलर का मिनरल, तो यानी ब्राउन और ब्लैक का बीच का मिक्सचर होता है इस कलर का आपका रहता है मिनरल, जिसमें आपका मैक्सिमम अमाउंट में यूरेनाइट अवेलेबल होता है. एंड इसमें जो रहता है डिस्टिंक्ट, मतलब इसमें जो लस्टर होता है, जो कह सकते हैं लस्टर का मतलब जो इसकी चमक होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती है, सबसे अलग होती है. इसमें रेडियम भी अवेलेबल होता है और इसका जो चीफ और मिनरल होता है वो आपका यूरेनियम होता है. तो इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं इसको कौन से एक्ट के अंडर इंक्लूड किया गया है. तो यहाँ पर आपके सामने 4 एक्ट दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका एक्साइज एक्ट. आप लोग यहाँ पर NDPS या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के साथ में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. जो आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनको एक्साइज एक्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं. अभी ये सारे एक्ट जो है ये होते क्या हैं, इन पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं. तो सबसे पहले जो आपका NDPS एक्ट 1985 है, इसका फुल नेम होता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस. इसमें बताया गया है प्रोहिबिट्स अ पर्सन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड और कंजम्पशन ऑफ एनी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस. तो कोई भी नारकोटिक जो ड्रग है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, उनसे रिलेटेड उनका प्रोडक्शन, उनका कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, सेल, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, तो ये सारे काम प्रोहिबिट करने के लिए ये आपका NDPS एक्ट बनाया गया है. तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं. अब यहाँ पर जब आपका NDPS एक्ट बनाया गया है 1985 में, इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में यानी कि 1986 में, मार्च 1986 में आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी सेटअप किया गया था. तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के अकॉर्डिंग बन सकता है, ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस वजह से इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसका एस्टैब्लिशमेंट 1986 में हुआ था.
बाकी के जो एक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो यहाँ पर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं या जितने भी ड्रग्स हैं उनके रेगुलेशन, उनके इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स रिलेटेड ये एक्ट बनाया गया है। यहाँ पर स्पेशली वही सारे ड्रग्स को इंक्लूड करा जाएगा जहाँ पर आपके जनरली जो आपके कॉस्मेटिक्स रिलेटेड होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही, उसके अलावा जो भी ड्रग्स रहते हैं वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। जो NDPS एक्ट है वहाँ पर जो कंज्यूम करने वाले ड्रग्स रहते हैं, जहाँ पर हम कुछ पॉइजन्स को भी इंक्लूड करते हैं, तो उस वो सारे के सारे आपके NDPS एक्ट में चले जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक्साइज एक्ट 1958। तो एक्साइज एक्ट 1958 आपका रहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द एक्साइज लॉ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसके एक्साइज लॉ को अमेंड करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए ये एक्ट है आपका। उसके साथ साथ जो आपका एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। तो जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स होती हैं, अल्कोहल्स होते हैं किसी भी टाइप के, वो सारे के सारे आपका उनका रेगुलेशन किस तरह से होना है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ये सारा का सारा काम जो रहता है अल्कोहल से रिलेटेड, ये आपका एक्साइज एक्ट 1958 के अंडर इंक्लूड करा जाएगा। यहाँ पर जो ईयर दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि एक्साइज एक्ट किस ईयर में आया था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट किस ईयर में आया था, NDPS एक्ट किस ईयर में आया था। तो इस वजह से ये ईयर भी आपको एज इट इज याद करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं एक्साइज एक्ट और सेंट्रल एक्साइज एक्ट से, क्योंकि दोनों का ही नाम सेम है, बस आपका डिफरेंस है ये सेंट्रल का। जो आपका नीचे वाला है इसमें लिखा है सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जो आपका ऊपर वाला है तो उसमें लिखा है एक्साइज एक्ट। तो जो एक्साइज एक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जो भी आपके एक्साइज लॉ है उनको अमेंड और कंसोलिडेट करने के पर्पज से, और उसके साथ साथ जो भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स रहती हैं उसके रिलेटेड ये सारी चीज़ें बेसिकली इस एक्ट के अंदर इंक्लूड करा गया है। बट जो आपका सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 है, इसका आपका इसलिए बनाया गया है टू इंश्योर दैट लॉज कंसर्निंग द सेंट्रल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन एनी गुड्स और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया could be consolidated as well as amended by the central government। यानी कि जितनी भी सेंट्रल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज होती हैं उसको लेकर ये एक्ट बनाया गया है। तो दोनों में कन्फ्यूज ना होइएगा, एक्साइज एक्ट आपका अल्कोहल के लिए है और सेंट्रल एक्साइज एक्ट आपकी जितनी भी सेंट्रल ड्यूटीज होती हैं उसको लेकर बनाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्ट है आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है, ये इसमें जितना भी है आपका जो जनरल पब्लिक की जो रेगुलर नीड्स होती हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ रहती हैं, यानी कि जो इसेंशियल आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको लेकर ये एक्ट बनाया गया है। यहाँ पर कहा गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन सर्टेन कमोडिटीज़। तो जितना भी आपका काम रहता है ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका देखा जाता है एंड टू एसेंशियली प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनरीजनेबल एंड एक्सप्लॉयटेटिव इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स ओवर द ईयर्स और मोर स्ट्रिंजेंट। सो बेसिकली जितने भी आपके इसेंशियल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो कि आपकी डेली नीड्स रहती हैं, बेसिक डेली नीड्स रहती हैं, उनका जो प्राइस रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा हाई ना कर जाए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आ जाए, तो इस चीज़ के लिए आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया था। और एक चीज़ अभी आपको याद होगी, अगर आपने कभी करेंट अफेयर्स पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो भी वो बहुत कॉमन चीज़ थी, जब आपका कोविड बहुत ज़्यादा आ रहा था तो उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मास्क एंड सैनिटाइजर्स को एसेंशियल कमोडिटी बनाया गया था। तो यानी कि जो आपके मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ था उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर इंक्लूड करा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका करेंट अफेयर्स के लिए सेक्शन ए में बन सकता है कि जो आपके आपके एसेंशियल आपके बताए गए थे मास्क एंड सैनिटाइजर्स, इनको एसेंशियल किस एक्ट के अंदर इंक्लूड करा गया था। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955।
तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4th है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग मेथेनॉल। मेथेनॉल के टेस्टिंग के लिए, उसके कंफर्मेशन के लिए आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफिक एसिड टेस्ट। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल एंड मिथेनॉल के लिए कौन कौन से टेस्ट रहते हैं। इथेनॉल के लिए रह जाएगा आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट एंड सल्फा मोलिब्डिक टेस्ट। नेक्स्ट आपका जो मिथेनॉल है उसके लिए है आपका क्रोमोट्रोपिक एसिड टेस्ट, सिफ्स रिएजेंट टेस्ट, आइसोप्रोपेनॉल टेस्ट। तो ये सारे आपके टेस्ट जो हैं इनके नाम याद रखिएगा कि इथेनॉल में कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते थे, मेथेनॉल में कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते थे। बाकी एज सच इनके डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि कौन सा टेस्ट आपका किस तरह के प्रोडक्ट के लिए हम उसके एग्जामिनेशन के पर्पज़ से यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो आपका टेस्ट रहता है इसमें जो मेजर आप कंपोनेंट यूज़ करते हैं, किस बेस पर आप इसका एग्जामिनेशन करते हैं, वो अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ये चीज़ बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो आप लोग चाहें तो इसके जो प्रोसीजर रहता है इसको परफॉर्म करने का वो भी एक बार देख लीजिएगा कि मेजरली जो ये टेस्ट रहता है हम किस बेस पर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच पॉइजन इज एक्सट्रैक्टेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से आप कौन से पॉइजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका स्टीम डिस्टिलेशन मेथड रहता है ये दो तरह से रहता है, एक आपके जो एसिडिक मीडियम के आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं और दूसरा जो बेसिक मीडियम के रहते हैं। तो ये आपका जो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड है आपका एसिडिक और बेसिक दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, बट कुछ कंडीशंस रहते हैं, कुछ के लिए ही यूज़ करते हैं, सबके लिए हम नहीं करते हैं। ये पूरा डिटेलिंग में एक सेपरेट वीडियो है, मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टीम डिस्टिलेशन मेथड कौन कौन से आपके प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं और किस तरह से ये टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख रखा होगा, अगर नहीं देख रखा है तो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वहाँ पर बेसिकली वो क्वेश्चन नहीं है, पूरी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, और उसके अलावा जितने भी एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं वो सारे ही आप पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ निकोटीन। जो निकोटीन रहता है इसका एक्सट्रैक्शन हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। जो आपका स्टीम डिस्टिलेशन मेथड रहता है एक तरह की सेपरेशन प्रोसेस रहती है जिसका हम यूज़ करते हैं प्योरीफाई या फिर आइसोलेट करने के लिए टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स को। जितने भी टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनको आइसोलेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं, और जनरल केसेस में जितने भी नेचुरल एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन इस मेथड से किया जाता है। उसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट रहते हैं, कौन कौन से आपके सब्सटेंस रहते हैं जिनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से, वो पूरी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। निकोटीन, एम्फिडामीन, एफिडरीन, इरकडीन, एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल, एसिटोन, पीरीडीन, फिनॉल, बेंजीन, टर्पिनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सारे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है इथेनाइल मरकैप्टन इज यूज्ड इन। तो जो इथाइल मरकैप्टन है इसका यूज़ जो है एलपीजी में किया जाता है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये भी आपका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, बेसिकली इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो इथाइल मरकैप्टन होता है ये क्या होता है, ये एक तरह का कलरलेस या फिर येलोइश लिक्विड या फिर गैस होता है जिसमें पंजेंट गार्लिक और शंक लाइक स्मेल आती है, ऊडर आती है, एंड इसका यूज़ जनरली एडिटिव्स के जैसे किया जाता है। जितने भी ऊडरलेस गैसेस होती हैं उसमें एडिटिव के पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं। और कौन कौन सी ऊडरलेस गैसेस होती हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और बेसिकली जो आपका एलपीजी है वो भी आपका एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, ताकि ये जो है एक वार्निंग ऑर्डर इनको दिया जा सके कि ये आपका इस तरह का प्रोडक्ट है। तो ये एक वार्निंग ऑर्डर के पर्पज़ से इथाइल मरकैप्टन का हम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केरोसिन इन द डिस्टिलेशन टेस्ट मेथड एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है इसके अकॉर्डिंग जो केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट रहता है डिस्टिलेशन टेस्ट में वो कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है।
300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है आपका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर डी, जो आपका पिंक कलर रहता है इसको डेवलप करने के लिए फिनोफ्थेलिन के केसेस में, बेसिकली जो ट्रैप केसेस रहते हैं, तो ट्रैप केसेस में हम क्या करते हैं, जो आपकी फिनोफ्थेलिन टेस्ट हम करते हैं और उसमें आपका पिंक कलर डेवलप होता है, तो ये पिंक कलर जो है बेसिकली ये कौन से एल्केलाई के अवेलेबिलिटी से आपका बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। दैट मीन्स जब आप फिनोफ्थेलिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी गैस, जो आपका कलर बनता है पिंक कलर, तो उसमें जो एल्केली अवेलेबल होती है तो वो होती है आपकी सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो आपका टेस्ट रहता है फिनोफ्थेलिन टेस्ट, जो ट्रैप केसेस रहते हैं जिसको हम चीट केसेस भी कहते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो अब ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है ये थोड़ा समझ लीजिए। मान के चलिए कि एक इंडिविजुअल है ए, एक इंडिविजुअल है बी, बी ने ए को कुछ कुछ पैसा दिया है बेसिकली, जो करप्शन वाला पैसा है, तो जो ए जो है ये करप्ट इंडिविजुअल है और बी जानता है, तो इसके लिए जब ये जो बी है ये जो पैसे की गड्डी देगा एक आपकी ए को, तो इसके ऊपर जो है आपका फिनोफ्थेलिन लगा दिया जाता है। अब जब ये फिनोफ्थेलिन वाला जो भी आपका पैसे हैं वो जब ए पकड़ेगा तो उसके हाथ में फिनोफ्थेलिन ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसके बाद में ऑन द स्पॉट ही जो आपका इंडिविजुअल ए है इसकी फिंगर्स को सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो रहता है इससे वॉश करते हैं, तो वो आपका पिंक कलर का डिटेक्ट रहता है, तो उससे पता चलता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसने करप्शन किया है या नहीं किया है। तो इसी तरह के जो केसेस रहते हैं इनको हम ट्रैप केसेस या फिर चीट केसेस कहते हैं। इसी तरह से एक टेस्ट और परफॉर्म किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में क्या होता है, जो आपका इसमें बेसिकली जो वॉयलेट और ब्लू कलर रहता है वो अवेलेबल होता है, मतलब कि सेम वही काम करेंगे जो हम फिनोफ्थेलिन में कर रहे थे, एंथ्रासीन को हम लगा देंगे और फिर जो भी इंडिविजुअल है उसके जो हैंड्स हैं उसको हम वॉश करेंगे, और वॉश किससे करेंगे हम इथाइल अल्कोहल से इसको हम वॉश करेंगे, और इथाइल अल्कोहल से वॉश करने के बाद में जो आपका लिक्विड आपको नीचे मिलेगा उसको आप यूवी लाइट की प्रेजेंस में देखेंगे तो उसमें आपको वॉयलेट या फिर ब्लू कलर नज़र आएगा, वॉयलेट या फिर ब्लू कलर नज़र आएगा, तो ये चीज़ जो है आपका चीटिंग को शो करता है, चीटिंग की जो चीटिंग हुई है ट्रैप केसेस में जो है वो कंफर्मेशन बताता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था। तो ये दो टेस्ट हो गए, एक तो हो गया फिनोफ्थेलिन टेस्ट आपका ट्रैप केसेस के लिए और दूसरा हो गया एंथ्रासीन टेस्ट जहाँ पर आप एंथ्रासीन केमिकल को यूज़ करेंगे, ठीक है, और वॉश करने के लिए इथाइल अल्कोहल। सेम क्वेश्चन आपका बन सकता है फिनोफ्थेलिन के लिए पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट, वैसे ही एंथ्रासीन के लिए आपका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर आपसे पूछी गई है फुल फॉर्म, आपका जो IED है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, जो आपके इंडियन मेड एक्सप्लोसिव्स होते हैं, यानी कि ऐसे एक्सप्लोसिव्स जो कि आपके कोई प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू नहीं बनाए गए हैं, जो आपके इम्प्रोवाइज्ड होते हैं कंट्री मेड होते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं, यानी कि जो बस ऐसे ही बना दिए गए हैं एज सच, कोई उसका प्रॉपर प्रोसीजर या फिर कोई स्टैंडर्ड्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो एक्सप्लोसिव रेंज होती है गैसोलीन के लिए वो क्या होती है, तो गैसोलीन के लिए एक्सप्लोसिव रेंज रहती है आपकी 1.4 से 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ IMFL, तो IMFL का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वाटर। अब यहाँ पर ये IMFL होता क्या है इसको आगे समझते हैं, बेसिकली गलती से नीचे पेस्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपका जो IMFL होता है इसकी फुल फॉर्म रहती है इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स, तो ये बेसिकली ऑफिशियल टर्म यूज़ करा जाता है गवर्नमेंट्स बिजनेस एंड जो मीडिया रहता है इंडिया में उसके द्वारा, जो IMFL है इसको हम इंडियन मेड फॉरेन लिकर बोलते हैं, ये ऑफिशियल टर्म दिया जाता है, और ये बेसिकली जितने भी तरह के आपके हार्ड लिकर्स होते हैं जो कि कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, जहाँ पर कोई भी तरह का इंडिजिनस अल्कोहलिक बेवरेज यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि जो आपकी फेनी होती है, टॉडी होती है, अरक होती है, इस तरह के जो बेसिकली जो इंडियन मेड जो विलेजेस में बनाए जाते हैं इलीगल तरीके से, जो इलिसिट लिकर्स रहती हैं, जो इलीगल लिकर्स रहती हैं, तो ये आपकी वो इलीगल लिकर्स के नाम है, तो जो आपकी इंडियन मेड फॉरेन लिकर होती है
यहाँ पर किसी भी तरह का इलिसिट लिकर या फिर इलीगल लिकर का हम यूज नहीं करते। यहाँ पर जो आपका इस तरह की लिकर्स बनाई जाती हैं, इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स, इसमें जनरली जो आपकी विस्की है, रम है, ब्रांडी होती है, जिन रहते हैं, ये सारा का सारा आपका इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये जनरली आपके जो मोलेसेस रहते हैं इसके थ्रू बनाया जाता है। मोलेसेस क्या होता है, जो आपका जब शुगर्स रहती हैं, शुगर यानी कि जो आपकी चीनी रहती है, उसमें जब रिफाइनिंग प्रोसेस चल रही होती है तो रिफाइनिंग प्रोसेस के टाइम पर ही कुछ आपका थिक डार्क ब्राउन जूस ऑब्टेन होता है रॉ शुगर से। तो उसका यूज़ करते हुए, जिसको हम मोलेसेस कहते हैं, इसका यूज़ करते हुए हम इस लिकर को बनाते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी ग्रेन्स का यूज़ नहीं करा जाता, क्योंकि जो आपके इलीगल लिकर्स रहती हैं वो आपके जनरली जो आपके राइस हो गया, जो आपके कई बार जो व्हीट रहता है वो हो गया, तो इनसे भी बनाया जाता है। बट जो आपकी इंडियन मेड फॉरेन लिकर होता है वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ग्रेन्स का यूज़ हम नहीं करते हैं। और जहाँ पर भी ये ग्रेन्स का यूज़ हो रहा होता है, जो कि इलीगल तरीके से बनाई जाती हैं, उनको हम इलिसिट लिकर्स बोलते हैं। यहाँ पर नॉट एज्ड एंड ओनली एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द ओरिजिनल अचीव्ड बाई एडिंग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलरिंग सच एज कैरमेल। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी एज को बढ़ाने के लिए इसमें जो रहता है कुछ एडिशनल फ्लेवर्स हम डालते हैं, जो कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, और कुछ कलरिंग एजेंट्स रहते हैं जिसको हम कैरमेल बोलते हैं। इस तरह की कोई चीज़ें रहती हैं जो कि आपका इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स के अंदर इंक्लूड करा जाता है। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, ये ऑफिशियल टर्म है। उसके अलावा इसमें जितनी भी तरह की हार्ड लिकर्स रहती हैं वो सब हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर आपका विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, ये सारे आ जाते हैं। और यहाँ पर आपका कोई भी तरह का ग्रेन का हम यूज़ नहीं करते हैं। जनरली ये मोलेसेस के थ्रू बनी होती हैं और इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका जो रहता है वो होता है वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। बेसिकली 11 हमने कर लिए थे, 12 पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कंटेनर होता है आर्सन केसेस में, जितना भी एविडेंसेस मिलते हैं उनको पैक करने के लिए, वो होता है आपका टिन का बॉक्स। क्योंकि जितने भी आर्सन केसेस रहते हैं तो वहाँ पर कई बार आपको एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस भी मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उनको अगर हम नॉर्मल किसी भी चीज़ में कर देंगे, प्लास्टिक बॉक्स हो गया, पॉलीथीन बैग हो गया, क्लॉथ पैकिंग हो गई, तो वो आपका बर्स्ट कर सकता है किसी भी टाइम पर, या कोई भी आपका डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए हम जो है टिन का बॉक्स यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा आपका बेटर होता है आर्सन केसेस के जितने भी एविडेंसेस होते हैं उनको पैक करने के लिए। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो एजो डाई ग्रुप रहता है ये कौन से डाई से बिलोंग करता है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि जो एजो डाई ग्रुप है इसमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक तरह का एजो डाई होता है। और एजो डाई क्या होता है, ये बेसिकली लार्जेस्ट ग्रुप होता है जितने भी आर्टिफिशियल फूड डाइज रहते हैं। फूड में कलर कुछ डालने के लिए कुछ हम कलरेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो जो आपके कलर होते हैं वो हम डाइज कहलाते हैं एक तरह से। और वो जो डाई होती हैं वो एजो डाई ग्रुप से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर 70% जो होता है ऑर्गेनिक डाई जो है जो पूरे वर्ल्ड में है वो आपके एजो डाई से ही बनाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन एजो डाई जो रहती हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ करी जाती हैं। उनके एग्जांपल्स हैं येलो डाइज, जैसे कि सनसेट येलो एंड टार्ट्राजीन, और जो रेड डाइज होती हैं वो आपकी एजोरोबीन, पॉन्स्यू, एमारंथ एंड एल्यूरा रेड। तो ये सारे कुछ हो गए आपके एग्जांपल्स। उसके अलावा एजो डाई ग्रुप के अंदर कौन कौन से आपके डाइज आती हैं इसकी बहुत लंबी सी लिस्ट है, तो उस लिस्ट को एक बार आप लोग गूगल करिएगा, गूगल पर डाल दीजिएगा एग्जांपल्स ऑफ एजो डाई ग्रुप, तो उसकी पूरी लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। तो वो लिस्ट को एटलीस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि कौन कौन से डाइज जो हैं आपके एजो डाई के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो वो आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वजह से एक बार उसको रीडिंग ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है रोडेंटिसाइड जो कि पेस्टिसाइड होता है एक तरह का, इसका आपका एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पर जो थैलियम सॉल्ट रहता है ये एक तरह का रोडेंटिसाइड के पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं। रोडेंटिसाइड का मतलब होता है, इसका अगर हम इसको ब्रेक करके समझें तो एक होता है आपका रोडेंट्स। रोडेंट्स में जितने भी रैट के कैटेगरी के जितने भी आपके आते हैं वो सारे हो गए रोडेंट्स। और साइड का मतलब होता है टू किल। तो जब हम बात करेंगे रोडेंटिसाइड की, तो जहाँ पर जो आपके रैट्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम जो भी आपका यूज़ करते हैं उसको हम बोलेंगे रोडेंटिसाइड। तो पॉइजन यूज टू किल रैट्स, एंड इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है।
आगे चलते हैं। और ये बेसिकली आपका केमिस्ट्री का प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसका मुझे सॉल्यूशन एग्जैक्टली इतना डिटेल में केमिस्ट्री मुझे नहीं आती है, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, बट इसका कैसे सॉल्व करना है ये मुझे नहीं पता है। तो आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा इसका सॉल्यूशन, ताकि जो भी बच्चे केमिकल साइंसेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में दोबारा आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं और इसमें से कौन सा है जो कि हाई एक्सप्लोसिव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक पाउडर। ब्लैक पाउडर जो है एक तरह का लो एक्सप्लोसिव होता है और यहाँ पर डायनामाइट, PETN, लेड एजाइड, ये सारे के सारे आपके हाई एक्सप्लोसिव्स के जैसे हम यूज़ करते हैं। जो हाई एक्सप्लोसिव क्या होता है, ऐसा एक्सप्लोसिव मटेरियल जिसका यूज़ हम डेटोनेट करके करते हैं बाय मींस ऑफ ब्लास्टिंग कैप, जहाँ पर ब्लास्टिंग कैप एक अवेलेबल होती है उसके थ्रू हम डिटोनेशन यहाँ पर करते हैं। बट जो लो एक्सप्लोसिव्स रहते हैं वहाँ पर आपका डिफ्लैग्रेशन होता है, वहाँ पर डिटोनेशन नहीं होता है। अब डिटोनेशन और डिफ्लैग्रेशन में क्या डिफरेंस है, इसका सेपरेट वीडियो अवेलेबल है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा जो आपके आपके जो हाई एक्सप्लोसिव्स हैं इसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, बूस्टर्स, डिटोनेटर्स, डायनामाइट, वाटर जेल और स्लरीज, इमल्शंस। और यहाँ पर जो मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव केमिकल होता है वो होता है PETN, बाकी डायनामाइट, PETN और लेडेसाइड, ये सारे के सारे आपके हो गए हाई एक्सप्लोसिव। जो ब्लैक पाउडर है वो होता है आपका लो एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वन ऑफ द कलर टेस्ट यूज्ड फॉर एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव्स के एग्जामिनेशन के लिए जो कलर टेस्ट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डायफिनाइल रिएजेंट। उसके अलावा फर्फ्यूरल रिएजेंट क्या होता है, ये लोग ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये आपको मैं जब टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि ये कैसे करते हैं, क्या रिएजेंट होता है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा, तो आप लोग ज़रूर से इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर पूछा गया है डेडली नाइट शेड। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ जब टॉक्सिकोलॉजी कराया था मैंने, तो सब कुछ मैं अब जो क्वेश्चंस आएंगे 3 से 4 क्वेश्चंस वो सारे के सारे मैं आपको पूरा डिटेल में करवा चुकी हूँ, तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। सेपरेट वीडियोस हैं, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोज़ हैं, वहाँ से जाकर आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्ट्रिक्नस नक्स वॉमिका होता है, इसका फुल नेम होता है स्ट्राइचीन, बेसिकली इसका कॉमन नेम होता है स्ट्राइचीन। कैनबिस सैटिवा को कॉमनली हम मारिजुआना बोलते हैं, एट्रोपा बेलाडोना को कॉमनली हम डेडली नाइट शेड बोलते हैं, एब्रस प्रिकेटोरियस को कॉमनली हम रोजरी पी या फिर जिक्विरिटी बीन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इसका पूरा चार्ट बना हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर जो पूछा गया है वो है कि केफ, केफ क्या होता है। तो केफ जो रहता है आपका, जो कैनबिस रहता है इसका बाय प्रोडक्ट रहता है। अब कैनबिस से केफ को कैसे बनाते हैं इसका भी सेपरेट वीडियो है, और वहाँ पर केफ के अलावा कैनबिस के और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके लिए जो प्रीवियस वीडियो है, एक कैनबिस पे बेस्ड दो वीडियोस हैं, उसमें से दोनों में से कोई भी एक आप देख लीजिएगा तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो आप फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की प्लेलिस्ट है सेपरेट, वहाँ पर आपको दोनों के दोनों वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूकनाइज लेवाइन टेस्ट इज़ अ वैल्यूएबल टेस्ट फॉर टेस्टिंग, ये भी मैं करा चुकी हूँ। कैनबिस के लिए आपका ड्यूकनाइज लेवाइन टेस्ट हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक डज नॉट गिव स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जितने भी आपके क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट रहते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा रिलायबल रहते हैं, बट यहाँ पर जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, तो यूवी विजिबल जो है वो उतना रिलायबल नहीं रहता है। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी GC मास क्रोमेटोग्राफी, FTIR एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे के सारे आपके स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं ड्रग्स का, एक्सेप्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेरोइन फ्रॉम मॉर्फिन। तो मॉर्फिन से हेरोइन को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कौन सा केमिकल चाहिए होता है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को जब आप मॉर्फिन के साथ में मिक्स करते हैं तो आपको हेरोइन मिल जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पॉर्पक कॉलम इन GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पॉर्पक
जो कॉलम रहती है वो मोस्ट सूटेबल रहती है फॉर द एनालिसिस ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के एनालिसिस के लिए जो आपकी पॉर्पक कॉलम रहती है जीएलसी में यूज़ करते हैं वो आपकी ज़्यादा रिलायबल रहती है, ज़्यादा सूटेबल रहती है। अब पॉर्पक कॉलम होती क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉर्पक क्यों एक तरह का सब्सटेंस है जिसका हम यूज़ करते हैं कॉलम को पैक करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी में। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम अवेलेबल होती है उसको पैक करने के लिए एक सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉर्पक क्यू, और इसका ये बेसिकली एक दूसरा नाम है इथाइल विनाइल बेंजीन डाइविनाइल बेंजीन पॉलीमर। इथाइल विनाइल बेंजीन डाइविनाइल बेंजीन पॉलीमर। एंड यहाँ पर जो पॉर्पक क्यू कॉलम है ये मेथड बेसिकली रिसेंटली डेवलप किया गया था। जितने भी वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं फूड्स में उनकी कंसंट्रेशन वगैरह को चेक करने के लिए, और यहाँ पर जो अल्कोहल्स रहते हैं उसके लिए भी इसका आपका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर पूछा गया है साइंटिस्ट है इगोन स्टॉल, इन्होंने ये बेसिकली किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड है। इसमें आपके चार ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इन्होंने आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पर बहुत वर्क किया है और इन्होंने इसका बेसिकली डेवलपमेंट भी किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और इसमें आपसे पूछा गया है जो रिटेंशन इंडेक्स होता है इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। तो जितने भी आपके क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स रहती हैं उसमें आपका रिटेंशन इंडेक्स का यूज़ करा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस क्रोमेटोग्राफी। सो बेसिकली रिटेंशन इंडेक्स होता क्या है, रिटेंशन इंडेक्स जो रहता है वाइडली यूज़ करा जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी में टू सपोर्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स। सो बेसिकली जब आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पर एक आता है आपका रिटेंशन टाइम, तो रिटेंशन टाइम से ही रिलेटेड है आपका रिटेंशन इंडेक्स। यानी कि इंडेक्स का मतलब एक पूरी लिस्ट रहती है और वो लिस्ट आपकी रिटेंशन टाइम के बेस पर बनती है, और हर एक पॉइजन हर एक ड्रग का जो रिटेंशन टाइम रहता है वो अलग अलग होता है। तो जब भी किसी भी ड्रग्स का आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है तो उसके लिए आप क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक फॉलो करते हैं, और वहाँ पर आप जो रिटेंशन टाइम रहता है उसके बेस पर किसी भी ड्रग को किसी भी पॉइजन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली यही वाला ड्रग यहाँ पर आपका है। तो इस तरह से आपका रहता है रिटेंशन इंडेक्स। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, जो करियर गैस यूज़ करी जाती है वो आपकी क्या रहती है। बेसिकली जो आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी है, जितनी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स रहती हैं वहाँ पर जो करियर गैस रहती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी रिलायबल रहती है, तो वो होती है आपकी हीलियम गैस। अब यहाँ पर कैरियर गैस जो होती है आपकी इनर्ट गैसेस रहती हैं जो कि सैंपल्स को कैरी करने के लिए यूज़ करा जाता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में। यहाँ पर हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड आर्गन, ये सारी की सारी जनरली यूज़ करी जाती हैं गैसेस। इसमें से भी हीलियम और नाइट्रोजन जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ करी जाती हैं, और जो हीलियम है उसको कैपिलरी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। हीलियम का यूज़ करना कैपिलरी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। तो जो भी आपकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में हम कैरियर गैस यूज़ करते हैं वो सारी की सारी आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं। इनका काम क्या होता है, सैंपल्स को कैरी करना। उसके अलावा कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड आर्गन, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ करी जाती हैं वो होती है आपकी हीलियम और नाइट्रोजन। और उन दोनों में से भी जो कैपिलरी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं वो होती है आपकी हीलियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो से मिली होगी, एंड इसी तरह से बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं 25 और 20 क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। एंड यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। एंड आपका एग्ज़ाम की डेट, आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, तो अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा तेज़ी से करिए। एंड इस बार बस ये सोच के करिए कि आपको ये जॉब लेनी ही लेनी है। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। एंड वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको उससे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।